तुम्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए ना। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, शादी तो मैं नाजिया से ही करूंगा। बेटा पर वो नौकरानी है। तो कल तक इस घर में मैं भी नौकर ही था। मगर अब नहीं हो, लेकिन वो अभी भी उनके घर की मुलाजमा है। मुलाजमा है? एक मिनट, वैसे तो मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये क्या बात हुई कि वो वहां की मुलाजमा है तो उससे शादी नहीं हो सकती। सॉरी टू से, बहुत ही गलत सोच है आपकी। बिल्कुल सही कह रही है ये। और वैसे भी अब जानी और नाजिया तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें क्यों एतराज होगा। मेरा वोट तो जानी के हक में है। बहुत अच्छी। यास्मीन, तुमसे किसने कहा कि यहाँ वोटिंग हो रही है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज लड़ना बंद करो। अगर जानी तुम्हारी सगी औलाद होता तब मैं तुमसे पूछती। शकील, मुझे इस औरत की शक्ल नहीं देखनी। भाई मुझे क्यों देख रही हो? उसने शक्ल नहीं देखनी, मेरा क्या कसूर है? नहीं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अम्मा जानी क्या हो रहा है इस घर में? जानी क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं बोल रही? समझ गया मैं। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आप लोग खुश हैं? हाँ हाँ हाँ, हम तो डिप्रेशन में चले गए। अरे क्यों? शादी करके चली जाएगी, सारे घर के काम तेरा फुफड़ करेगा। क्यों? हाय अल्लाह, आपको अभी भी अपनी ही पड़ी है तो और किसकी पड़ी हो? इस उम्र में सारे घर के काम तो मुझसे कराएगी। कुछ अभी आया है तुझे? फिटे मुँह तेरा। तो क्या मैं आपके चक्करों में शादी ही ना करूं? मेरी तरफ से जितनी मर्जी करे आप, खड़े घूम जाए। अरे अंगूठी तो देख ले। परोमर चीप जी होने की है। अरे अयाज साहब आप भी देख ले। अच्छी है, अच्छी है वो। मैं ना इस अंगूठी पे पूरी नजम लिखूंगी।